क्या है क्यों ना? जो आपके साथ खड़े हैं इसलिए बुलाया आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी नहीं सुनते। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर की कलह खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काव आज बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं से सरेआम भिड़ गए। अरे आप जाओ ना, क्यों जाओ, कहाँ जाओ, हम तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी आ रहे हो ना, आप जब अपने विधायक को नहीं मानते, किसने बोला? आप ही बोलते हो। किसने बोला? वो जी, ये कौन बोला? ये खड़े आप, किसने बोला, नाम बताओ उसका, ये खड़ा किसके सामने बोला? ये मर्यादा में रोक तो मानेंगे, मर्यादा में रोक तो मानेंगे, आप विधायक की मर्यादा में रोक तो मानेंगे। काउ ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर खरी खोटी सुना दी। यहां तक कि विधायक काउ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को औकात में रहने तक की नसीहत दे डाली। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात में कहां कर रहे हो? आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है सरकारी, कुछ लो मरिए इसे। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप सुनो, भाई सुनो, ये स्थिति है रायपुर की, अब देख लो, ये देखो आप आपको बता दें कि आज रायपुर डिग्री कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन था, जहां विधायक काउ भी पहुंचे थे। विधायक काउ का आरोप है कि बीजेपी के लोग ही उनके बैनर पोस्टर फाड़ देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस भवन का उद्घाटन किया। आपने आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक भी हमारी नहीं सुनते, ये खड़े हैं लोग वाला जी। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात में बात कर रहे हो विधायक जी, आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है सरकारी, कुछ लो मरिए इसे। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप जय भारत टीवी के लिए देहरादून से भट्ट की रिपोर्ट।